नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज़ होने जा रही फर्स्ट इंडो नेपाली मूवी प्रेम गीत 3 के गानों के बारे में। अभी दोस्तों बात करें कि हिंदी वर्जन में इसके जो भी गाने हैं वो सारे रिलीज़ हो चुके हैं, मतलब कि इसके जो राइट्स हैं वो जी म्यूज़िक कंपनी ने ले रखे हैं, और इसके जो ऑडियो फॉर्मेट में जो भी गाने हैं, आई थिंक 4 गाने हैं हिंदी वर्जन में, वो सारे के सारे गाने इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ कर दिए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हिंदी वर्जन में इनका एक गाना वीडियो सॉन्ग के रूप में रिलीज़ किया गया है, जिसका नाम है कोई ना कोई नाता है। इसके जो सिंगर हैं वो है जुबिन नौटियाल, और इसकी जो कंपोजिशन दी है वो है पवनदीप राजन ने। अभी पवनदीप राजन को आई थिंक सब लोग जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि पवनदीप राजन इंडियन आइडल के विनर रह चुके हैं, और उन्होंने ही इस गाने की कंपोजिशन दी है। अब दोस्तों, कोई ना कोई नाता है ये सॉन्ग देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं, तो ये गाना मेरे लिए एक एक्सीलेंट गाना साबित होता है। मतलब कि इतनी बेहतरीन कंपोजिशन पवनदीप राजन ने की है, और इतनी मधुर आवाज़ में जुबिन नौटियाल ने गाया है कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत दिनों बाद इसी मेलोडियस ट्यून में और इसी मधुर आवाज़ में कोई गाना सुनने को मिलता है। बाकी हम बॉलीवुड मूवीज़ में देखते रहते हैं कि पार्टी सॉन्ग, डिस्को सॉन्ग, यही सब डालते रहते हैं। एक जो मेलोडियस टच है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट में सिर्फ ब्रह्मास्त्र में ही हमें एक अच्छे गाने थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं, थोड़े बहुत मेलोडियस टाइप में। लेकिन पिछली बार मैंने कब ऐसे अच्छे गाने सुने थे मुझे पता नहीं, मतलब पूरी मूवी में तो नहीं होते, हाँ एक आध गाना हो जाता है पूरी मूवी में, लेकिन पूरी मूवी में इतने अच्छे मेलोडियस ट्रैक नहीं हो पाते। दोस्तों, इस वीडियो सॉन्ग की शुरुआत में ही, मतलब कि 5 से 6 सेकंड में ही जुबिन नौटियाल का एक हाई नोट आपको सुनने को मिलता है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आँख बंद करके आप नोट सुनोगे ना, सच में पूरे गानों में खो जाओगे। ये गाना ऑलमोस्ट 5 मिनट का है, मतलब कि पूरी मूवी में जो दिखाना जाना चाहिए वो पूरा ही गाने में दिखाया गया है, जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली इसकी जो लेंथ है वो कम होनी चाहिए थी, ताकि ऑडियंस को थिएटर में और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले। जो हम वीडियो सॉन्ग रिलीज़ करते हैं मूवी रिलीज़ होने से पहले, वो कम लेंथ की होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने पूरा ही गाना रिलीज़ कर दिया। चलो ठीक है, आई थिंक मेकर्स को सही लगा होगा, इसलिए उन्होंने रिलीज़ किया होगा। अब दोस्तों, पूरे ही गाने में आपको अच्छा सा एक ट्रैक सुनने को मिलता है, अच्छा सा एक विजुअल देखने को मिलता है, बर्फ़ की वादियाँ देखने को मिलती है, और उसी में जुबिन नौटियाल की जो पहाड़ी वॉइस है। जुबिन नौटियाल एक उत्तराखंड के सिंगर हैं, जो हमारे इंडियन सिंगर है ही, लेकिन उत्तराखंड से वो बिलोंग करते हैं। तो एक पहाड़ी का टच, एक जो मधुर आवाज़, और पवनदीप राजन है वो भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो आप समझ सकते हो कितना डेडली कॉम्बो हो सकता है इन दोनों का। एकदम सच में जो पहाड़ीपन की जो वॉइस होती है ना, वो हमें सच में उनकी आवाज़ में सुनने को मिलती है। दोस्तों, पूरे ही गाने सुनते वक्त आपको कहीं पे भी बोरियत फील नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इस वर्जन को स्किप कर दूं। और जब भी जुबिन नौटियाल ये गाते हैं कि कोई ना कोई नाता है, जब भी ये लाइन आती है आप बार बार सुनने का दिल करता है, आपको लगेगा अरे यार ये ख़त्म क्यों हो गया, ऐसा आपको मन करेगा। सच में बेहतरीन कंपोजिशन और बेहतरीन सिंगिंग यहाँ पे की गई है। अब दोस्तों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके जो हिंदी वर्जन के जो गाने रिलीज़ किए गए हैं, क्या वो हिंदी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं? क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि जैसे हम अगर साउथ इंडियन मूवी ले लें या फिर कोई भी रीजनल मूवी ले लें, तो इसके जो गाने होते हैं वो हिंदी में डब होके आते हैं, मतलब कि कंपोजिशन सेम रहती है, मेलोडी सेम रहती है, सिर्फ चेंजेस में होता है जो सिंगर की आवाज़ चेंज होती है और लिरिक्स चेंज होते हैं, बाकी विजुअल और सब सेम ही रहता है। लेकिन जब दोस्तों मैंने प्रेम गीत 3 के हिंदी वर्जन सुने, और जब मैंने सोचा कि जब इसके मैं ओरिजिनल वर्जन सुनता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक ही गाना मैच हुआ लगा। बाकी इसके जो 3 गाने हैं, ये कोई ना कोई नाता है, फिर एक राहत फतेह अली खान का गाना है, और एक पलक मुछल का गाना है अंकित तिवारी के साथ, वो तीनों गाने कहीं पे भी ओरिजिनल के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। इसके जो ओरिजिनल वर्जन के गाने हैं वो हिंदी वर्जन से बिल्कुल ही अलग हैं। सिर्फ एक ही हिंदी वर्जन का जो गाना है मुझमें बस जाना, वो नेपाली वर्जन का जो ओरिजिनल वर्जन है हाथी दुगम्मा, उसके साथ मैच हो रहा है, बाकी कोई भी गाना इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ हिंदी वर्जन को, मतलब कि हिंदी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए इनके जो बाकी गाने हैं वो रिलीज़ किए गए हैं। अब दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हिंदी वर्जन के गाने तो मैंने सुने, लेकिन इसके साथ साथ मैंने ओरिजिनल नेपाली वर्जन के भी गाने सुने इस मूवी के। तो दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले एक इसका नेपाली वर्जन का गाना रिलीज़ हुआ, माया को गाँव। इसके जो सिंगर हैं वो हैं प्रताप दास, जो पहले भी प्रदीप खड़का के लिए बहुत सारे गाने गा चुके हैं, बहुत ही फेमस सिंगर हैं, और प्रेम गीत में भी जब उनका पहला वर्जन, पहला पार्ट आया था, तब इन्होंने ही गाने गाए थे। और सच बता रहा हूँ, इनकी जो आवाज़ है, इतनी फ्रेश आवाज़ आपको लगती है कि आप पूरे ही गानों में आपको इनमें खो जाओगे।
कहीं पे भी आपको बोरियत फील नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि मैं बार बार इनके गाने सुनूं। सच बता रहा हूँ, जो फ्रेशनेस इनकी आवाज़ में झलकती है कमाल है। इस गाने की जो कंपोजिशन दी है वो सरोज पोखरेल जी ने, जिन्होंने प्रेम गीत में भी म्यूज़िक दिया था, और मैंने अपने रिव्यू में भी बताया था, आप जाके मेरा प्रेम गीत पार्ट वन का रिव्यू चेक कर सकते हो। इसका जो म्यूज़िक है वो कमाल का दिया गया है, और वो उनकी झलक यहाँ पे दिखती है। जो म्यूज़िक हमने को सुनने को मिलता है वो सच में बेहतरीन है। तो इसी के साथ मैंने मतलब और गाने भी चेक किए, और भी गाने इसके रिलीज़ हो चुके हैं, लेकिन मुझे ढूंढते वक्त एक गाना मिला जो 2 साल पुराना था इसी भी मूवी का। उस गाने का नाम है हर युग होश। और दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, अभी तक के प्रेम गीत 3 के जितने भी गाने रिलीज़ हुए हैं उन सब में सबसे बेहतरीन गाना मुझे यही लगा है, हर युग होश। इतनी बेहतरीन सिंगिंग की गई है, इतनी बेहतरीन कंपोजिशन की गई है कि मैं क्या ही बताऊं। 5 मिनट से भी ऊपर का गाना है, और मुझे कहीं पे भी ये फील नहीं आया कि ये एक नेपाली वर्जन का गाना है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं पूरे ही गानों में खो गया था। कान में मैंने ईयरफोन लगा लिए थे और मैं पूरे ही गानों में बस ऐसे ऐसे ही कर रहा था, मंत्रमुग्ध हो गया था। प्रताप दास ने ही इस गाने को गाया है, और इसकी जो फीमेल वोकल है उनका नाम है प्रभिषा अधिकारी। और दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, अगर आँख बंद करके आप प्रभिषा अधिकारी की आवाज़ सुनोगे ऐसा ही आपको लगेगा कि श्रेया घोषाल गा रही है। इतनी मीठी आवाज़ मैंने बहुत दिनों बाद सुनी है। पलक मुछाल, श्रेया घोषाल, और इसके बाद प्रभिषा अधिकारी की भी आवाज़ मुझे सेम लगी। सच बता रहा हूँ, इतनी मीठी आवाज़ और इतनी बेहतरीन कंपोजिशन की गई है इस गाने में कि मेरे शब्द नहीं है बताने के लिए। सच बता रहा हूँ, एक 90s का फील आएगा। और ये गाना इस मूवी का टाइटल ट्रैक है, इसका ओरिजिनल वर्जन ही है। सबसे बेहतरीन गाना मुझे यही लगा है, और आई थिंक जो भी नेपाली मेरे व्यूअर्स होंगे वो भी अग्री करेंगे कि ये गाना अभी तक का रिलीज़ हुआ सबसे बेहतरीन गाना है और मेलोडियस गाना है। तो दोस्तों सारे गाने आते ही इसकी जो एक्सपेक्टेशन है, इस मूवी की जो एक्सपेक्टेशन है वो तो और बढ़ गई है। मतलब कि हर बार ये मूवी आपको सरप्राइज़ कर रही है। इसकी हिंदी डबिंग ले लीजिए, इसके विजुअल ले लीजिए, इसके एक्टिंग ले लीजिए, इसके गाने ले लीजिए, हर बार ये मूवी आपको सरप्राइज़ कर रही है। सच में अगर इसकी स्टोरी लाइन अच्छी हुई तो इसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा ज़रूर मानना है। तो दोस्तों यही था मेरा रिव्यू प्रेम गीत 3 मूवी के गानों के ऊपर। आपका कौन सा सबसे फेवरेट गाना है मैं कमेंट में ज़रूर जानना चाहूँगा, और आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।